एलविश यादव को लेकर सम्राट भाई का बीजेपी के नेताओं पर दोस्तों रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी के रिश्तेदार सम्राट भाई लिखते हैं, आदरणीय नेताजी आपकी लोकसभा में आपकी क्या स्थिति है यह आप भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपके ईगो के चलते आज एलविश यादव और उनके नए वोटर्स किस तरह पार्टी से किनारा कर रहे हैं शायद आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपके संगठन के लिए कोई बड़े कार्य नहीं किए सिवाय नुकसान के। सत्य में जयंते। जहाँ पर दोस्तों एलविश यादव हर बार दोस्तों बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आज बीजेपी के ही सरकार में दोस्तों एलविश यादव के साथ इस तरीके का देखकर सभी लोग दंग रह गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लिखते हैं सम्राट भाई, सैम ऑन द एबीपी न्यूज, दिल टूट गया यार, भगवान अंकल आंटी को टक्कर दे और जल्द से जल्द सब क्लियर हो जाए, जय श्री राम महाकाल, इससे ज्यादा सैड पार्ट कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से मीडिया और दोस्तों पुलिस और दोस्तों नेता एलविश यादव के साथ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका बीजेपी को साथ देना उन पर ही भारी पड़ रहा है। बाकी इस पर आपका क्या कहना, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। जिस तरीके से बीजेपी के नेता एलविश यादव के साथ कर रहे हैं, तो दोस्तों एलविश यादव पर दोस्तों कई सारे वोटर्स भी अब बीजेपी से किनारा करने को दोस्तों तैयार हो गए और कहने लगे हैं कि हम एलविश यादव के साथ हैं और हम बीजेपी को बॉयकॉट करेंगे। साथ ही दोस्तों देते हैं पर फिर भी हाथ जोड़कर विनती है कि एक नेता के चलते आप मोदी जी के कार्यों को न भूले और न उनका साथ देना छोड़े। सत्य की जीत आज नहीं तो कल होगी और आज नहीं तो कल सच सामने जरूर आएगा। भाई बस माँ बाप रोते नहीं देखे जा रहे हैं। लोगों का रिएक्शन देख लीजिए, किस तरीके से लोग ब्रेकडाउन हो गए। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए किस तरीके से भाई बस माँ बाप रोते नहीं देखे जा रहे हैं। भाई सम्राट भी इतना बोल दिए है और नेताजी का नाम भी बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये भाई सारा कमाया है एलविश भाई ने, किस नेता के लिए कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये किस नेता पर दोस्तों सम्राट भाई का कमेंट है ये तो दोस्तों वही जानते हैं, लेकिन दोस्तों मेनका गांधी और दोस्तों जो इस तरीके की घटिया NGO जो दोस्तों गायों की दोस्तों तस्करी होती है उन पर तो कुछ कर नहीं रहे हैं और दोस्तों गंदे इल्ज़ाम लगाकर लोगों के साथ लूट मार करना और पैसों की फिरौती की मांग करना यही दोस्तों मेनका गांधी का काम है क्या? दोस्तों सोशल मीडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर एलविश यादव के साथ इस तरीके का घिनौना काम करना और उसकी इमेज को डाउन करना कहां तक सही है? बाकी इस पर आपका क्या राय है? यदि आप एलविश यादव के साथ हैं तो जस्टिस पर एलविश लिखिए, और यदि एलविश यादव के खिलाफ कुछ पोस्ट करना चाहते हैं तो भी आप अपनी राय दोस्तों अच्छे शब्दों में दीजिए ताकि हम समझ सके क्यों आप एलविश यादव से इतनी नफरत करते हैं। जी हाँ दोस्तों।